मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कंगना रनौत और रणबीर कपूर के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं पटती है। आए दिन कंगना रनौत रणबीर कपूर पर निशाना साधती रहती हैं। कई मौकों पर रणबीर कपूर पर विवादित बयान भी कंगना दे चुकी है। न सिर्फ रणबीर कपूर बल्कि उनकी पत्नी आलिया भट्ट को भी कंगना आए दिन निशाने पर ले लेती है। कंगना के बयानों पर यूं तो रणबीर और आलिया कभी कोई पलटवार नहीं करते, लेकिन अब लगता है कि रणबीर कपूर ने कंगना रनौत से बदला लेने का मन बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रणबीर कपूर कैसे कंगना से बदला लेने वाले हैं, तो चलिए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की रिलीज डेट बदल गई है। जहां पहले ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, वहीं अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। गदर 2 की वजह से और फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की वजह से ये फिल्म अब 11 अगस्त की जगह 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म की नई रिलीज का डेट का ऐलान कुछ ही दिन पहले किया गया है। अब रणबीर कपूर ने सीधा सीधा कंगना रनौत को चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी को जोरदार टक्कर देने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि कंगना रनौत अपनी फिल्म एमरजेंसी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी 24 नवंबर को थिएटर्स पर रिलीज होगी। यानी कंगना की फिल्म रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल से ठीक 1 हफ्ते पहले रिलीज होगी। कंगना की फिल्म एमरजेंसी को कमाई करने के लिए सिर्फ 7 दिन मिलने वाले हैं, क्योंकि 7 दिन बाद रणबीर कपूर अपनी फिल्म एनिमल को लेकर आएंगे। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल कंगना की फिल्म एमरजेंसी पर भारी पड़ सकती है। रणबीर की फिल्म को लेकर दर्शकों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर कंगना की फिल्म पर भारी पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि एनिमल को संदीप रेड्डी वेंगा ने डायरेक्ट किया है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और अनिल कपूर अहम रोल में दिखाई देंगे। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आया था। बात करें कंगना की फिल्म एमरजेंसी की, तो फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म में कंगना ने न सिर्फ एक्टिंग की है, बल्कि इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। कुछ दिनों पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें कंगना हूबहू इंदिरा गांधी की तरह दिखाई दे रही थी। कंगना ने इस फिल्म को बनाने में अपनी पूरी पूंजी लगा दी है। अगर कंगना की ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई तो एक्ट्रेस को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। फिल्म में कंगना के साथ साथ अनुपम खेर, महिमा चौधरी और श्रेयस तलपड़े भी अहम रोल में दिखाई देंगे। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि रणबीर कपूर अपनी फिल्म एनिमल के जरिए कंगना को बॉक्स ऑफिस पर बदला लेने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। वैसे आप इमरजेंसी और एनिमल में से किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।